चित्तौड़गढ़ जिले में आज सुबह को शनिवार को मंगलवार थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 223.62 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां जब्त ब्राउन शुगर की कीमत 45 लाख आकी गई है। तस्करी में शामिल दोनों भाई सिरोही जिले के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही के तहत एएसपी बुगलाल मीना के निर्देश व डीएसपी बीडा सादड़ी व डॉक्टर कृष्णा सामरिया के सुपरविजन में शनिवार को थानाधिकारी मंगलवार रविन्द्र चारण थाने में एएसआई संतोष कुमार कर्नल सिंह व छोगालाल मनोज व दिलीप सिंह के साथ थाने में रवाना हो और सर्कल में गश्त कर रही है। वही गश्त के दौरान चित्तौड़गढ़ उदयपुर 6 लेन हाईवे रोड पर राधाकृष्णा गेस्ट हाउस के सामने संदिग्ध प्रतीत होने पर दो व्यक्तियों को रुकवा कर उनकी नियमानुसार तलाशी की गई है, तो उनके पास से 223.62 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर मिली, जिसकी अनुमानित कीमत 45 लाख है।